हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक फ्रिज का हमारे पास कंप्लेंट आया है कि ये चल नहीं रहा है। तो चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, आप यहाँ पे सभी तार को चूहा ने कट कर दिया है। तो चलिए गाइस, इसको हम सामने से पैनल को खोलेंगे और चेक करेंगे कौन कौन सा तार कटा है और ये फ्रिज हमारा क्यों नहीं चल रहा था। तो दोस्तों, जैसे कि आप ही देख सकते हैं, ये एक डीप फ्रीजर है। तो इसको चलिए गाइस, इसका पैनल को हम आगे खोलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं गाइज, जहाँ पे चूहा ने वायर कट किया है इसको हम टेपिंग करना स्टार्ट किए हैं और इसमें दो इंडिकेटर लगा हुआ है और उसका वायर भी टूट चुका है। तो दोस्तों, इंडिकेटर हमारे पास नहीं है तो उसको हम नहीं लगाएंगे, उसके जगह पर हम इसको ब्लैंक करके टेप मार देंगे तो हमारा काम ये हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम इसको पहले टेपिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी हमने लीड को भी निकाल लिया है, अब हम लीड के वायर को भी टेपिंग करेंगे। फ्रेंड, ये लीड जो कनेक्टर हमने निकाला है, ये इंडिकेटर सॉरी गाइस, ये हमारा फैन का है जो कि हमारे कूलिंग कॉइल के पास लगा होता है कंप्रेसर को कूल करने के लिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने इस पर टेप मार लिया। और चलिए गाइस, देख सकते हैं ये इंडिकेटर का वायर है, इसको भी हमें निकालना है और इसको टेपिंग करना है अच्छे से, नहीं तो क्या होगा कि बॉडी से टच होगा तो हमें करंट भी लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों, हम इसको अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। तो कस्टमर से हमने बात किया था, उन्होंने बोला कि टेपिंग कर दो, नया वायर नहीं डालना है अभी। तो इसलिए दोस्तों, देख सकते हैं हमने इसको भी निकाल लिया है और इंडिकेटर का देख सकते हैं प्रिंट पूरा टूट चुका है। तो चलिए गाइस, इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं और फिर हम आपको लेकर चलेंगे इसके सामने की तरफ और दिखाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है फ्रिज में। तो दोस्तों, मैंने आगे खोला तो मुझे पता चला कि हमारा जो कंप्रेसर का ये वायर है जो कि हमारा थर्मोस्टेट से होके जाता है, ये भी कट गया था। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं इसको भी जोड़ ले रहा हूँ, उसके बाद हम आपको सामने से दिखाएंगे कि हमारा ये कंप्रेसर का ही वायर है। उन्होंने कंप्लेन किया था कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है तो करंट भी मारता था। तो हमने खोल के देखा तो देखा कि चूहा ने सब तार कट कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से जोड़ लेते हैं इसको, उसके बाद आपको हम दिखाएँगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं अब हमने सारा कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया है, अब इसको हम चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको चालू किया है अभी, हम आपको चलिए दिखाते हैं हमारा ये फ़ैन वगैरह सब ऑन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है और ये हमारा फ़ैन भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस तरह से कनेक्शन को कर सकते हैं। और फ्रेंड, आप ये ज़रूर ध्यान दें, अगर वायर चेंज करना हो तो आप ज़रूर चेंज कर दें, नहीं तो बॉडी से अटैच होगा तो करंट लग सकता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं इसका कंप्रेसर है, ये डिफ्यूजर है 520 लीटर का। तो दोस्तों, चलिए हम आपको इसका इंडिकेटर भी दिखाते हैं। तो इंडिकेटर हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, देख सकते हैं वह इंडिकेटर भी वर्क कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।